सबसे पहले आज हम गुरुवराचार्य को, परम पिता परमेश्वर को याद करेंगे। तीन बार लंबी गहरी सांसें लेंगे और अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञान तिमिरांध्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितमेन तस्मै चक्षुरोन्मीलितमेनो तस्मै श्री श्री गुरु नमः। कवे। ओम अज्ञान तिमिरांध्यस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत वनगोस्वामीति नामिने। वंदेयं भक्ति चकोरं गौरान्यजप्रेषितं श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी वनम नमस्तोभ्यम्। श्री राधा एक निष्ठतम रसायन कथामृतम संकीर्तनम आनंदधाम गोस्वामी नम वनम नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव शदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं श्रील गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ हम सबकी बुद्धि शुद्ध हो, हृदय प्रेम से भरा हो, ईश्वर में निष्ठा व श्रद्धा बनी रहे, हम सभी स्वस्थ हों, हम सबकी रक्षा हो, शक्ति संपन्न हो और निरंतर ऊंचाइयों के साथ हम सभी एक साथ आगे बढ़े। आज की इस मेडिटेशन में हम ये सीखेंगे और उसको करके भी देखेंगे कि चक्रा को किस तरह से हम एनालिसिस करें कि कौन सा चक्रा हमारा वीक हो गया, कौन सा चक्रा हमारा ब्लॉक हो गया या कौन सा चक्र हमारा इम्बेलेंस, कैसे पता चलेगा। तो मैं 2 मिनट के लिए आपको उस स्क्रीन पर लेके जाना चाहता हूं जिसमें आपको चक्रा की थोड़ी सी नॉलेज मिलेगी और आप उसको समझने का प्रयास करें। ये आपके सामने स्क्रीन है जो आपको शेयर की गई है। ये 7 चक्रा होते हैं हमारी बॉडी में। जैसे पहला चक्रा होता है रूट चक्रा, जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स को इंडिकेट करता है या प्राइवेट पार्ट्स के आसपास उसकी स्थिति होती है। ये शीट मैंने आपको ग्रुप में भेज दी है, आप वहां पर इसको और स्टडी कर लें। मेनली यहाँ पर समझने की बात यह है कि ये सारे के सारे जो चक्रास होते हैं कमल की पंखुड़ियों की तरह खिलते हैं और बंद होते हैं। तो जब ये काम करना बंद कर जाते हैं या इम्बेलेंस हो जाते हैं या ब्लॉक हो जाते हैं तो ये एक बंद कमल के फूल की तरह होते हैं, और यदि ये अच्छे से काम कर रहे होते हैं तो एक कमल के पुष्प की तरह खिले होते हैं। तो 7 रंग के ये चक्रास होते हैं। तो पहला जो चक्रा होता है वो रूट चक्रा होता है जो रेड कलर का है और इसकी स्थिति हमारे प्राइवेट पार्ट्स के आसपास है। दूसरा चक्रा होता है सैक्रल चक्रा, जिसकी स्थिति नाभि से 1 इंच नीचे होती है। और तीसरा चक्रा होता है सोलर प्लेक्सिस, जिसकी स्थिति नाभि से 1 इंच ऊपर होती है। हर्ट चक्रा, जिसकी हर्ट के आसपास जिसकी स्थिति है। थ्रोट चक्रा, जिसके गले के ठीक बीचों बीच
इसकी स्थिति मानी गई है। और थ्रोट चक्रा के बाद थर्ड आई, जिसकी स्थिति आपकी थर्ड आई के ठीक बीचों बीच, यानी आईब्रोज ठीक बीचों बीच इसको माना गया है। और क्राउन चक्रा आपके सिर के ठीक ऊपर, जहां पर चोटी होती है हमारी, उस चोटी से थोड़ा सा पास में आगे की साइड में, यहां पर इसकी स्थिति रहती है। तो ये बिवग्योर के रूप में होता है। कलर आपने पहले पढ़े होंगे, बिवग्योर का मतलब होता है सेवन चक्रा, सेवन सेवन कलर बिवग्योर। अब बिवग्योर में वी मतलब वायलेट कलर, आई मतलब इंडिगो डार्क ब्लू कलर, बी मतलब ब्लू लाइट ब्लू कलर, बिव ग्योर जी मतलब, जी मतलब ग्रीन, वाई मतलब येलो, ओ मतलब ऑरेंज और आर मतलब रेड। तो बिवग्योर से आपको याद रहेगा। तो बेसिकली आज की मेडिटेशन में हमें क्या करना है, इन कलर्स का ध्यान करना है, और इन कलर्स के ध्यान के साथ साथ कमल के पुष्प का ध्यान करना है, इस कलर के कमल के पुष्प का ध्यान करना है। बाकी के इंस्ट्रक्शंस आपको मेडिटेशन में ही मिलेंगी। तो आप बस ये ध्यान रखें कि हम जो है नीचे से स्टार्ट करेंगे और ऊपर तक चलेंगे, और यहां तक एनालिसिस करके लेके आएंगे। आप एनर्जी साइंस के मास्टर हैं नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली आपकी फीलिंग्स, आपके फील्स क्या कहते हैं, आपकी बॉडी ही बताती है आपको कि आपकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट कर रही है। आपको इंस्ट्रूमेंट की तो बाद में जरूरत पड़ती है, सबसे पहले तो आपको आपकी अपनी बॉडी ही इंडिकेट करेगी कि मैं किस स्थिति में हूं। तो आज आप ये करने वाले हैं। तो आंखें बंद करें, तीन बार लंबी गहरी सांसें लें। और अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स करते हैं। फिर से तीन बार लंबी गहरी सांसें लें। और धीरे से उनको छोड़ दें। लंबी गहरी सांसों का अर्थ है कि हम अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स कर दें। जिन्होंने अभी ओप्पो के नाम से ज्वाइन किया है, वो अपने आप को रीनेम कर लें। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर के जाएं, नासिका के दोनों छिद्रों पर अपना ध्यान ले जाएं। और ये आइडेंटिफाई करें कि हमारी सांसें नासिका के लेफ्ट साइड से या राइट साइड से आ रही हैं, जा रही हैं।
जब हम नासिका पर फोकस कर रहे हैं और हमें ये पता चल गया कि हमारी सांसें लेफ्ट साइड से या राइट साइड से चल रही हैं, अब हमें ये महसूस करना है कि सांसें जो आ रही हैं वो कितनी तीव्र या कितनी धीमी गति से आ रही हैं। हर आती हुई सांस को प्राण ऊर्जा के रूप में और हर जाती हुई सांस को नकारात्मक ऊर्जा के रूप में देखें। अब अपना ध्यान अपने रूट चक्रा पर ले जाएं। मैं आपको यहां पर एक बात बता दूं कि ये सातों चक्रा हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर प्लेस्ड होते हैं, लेकिन जब हम आगे से उसको महसूस करेंगे तो सबसे पहले चक्रा को प्राइवेट पार्ट्स के पास, दूसरे चक्रा को नाभि से 1 इंच नीचे, तीसरे चक्रा को नाभि से 1 इंच ऊपर, चौथे चक्रा को हृदय चक्रा पर, पांचवे चक्रा को गले के ठीक बीचों बीच, छठे चक्रा को दोनों आईब्रोज के ठीक बीचों बीच और सातवें चक्रा को हमारे सिर के ऊपर, ताकि हमें समझने में आसानी हो और हम कनेक्ट कर पाए। इसलिए ऐसा करते हैं, अदरवाइज ये सातों चक्रा की जो प्लेसिंग है वो हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर होती है। लेकिन इसका जो असर है वो हमारे सभी पार्ट्स पर पड़ता है, तो हमारा पूरा ध्यान इस वक्त रूट चक्रा पर जाना चाहिए। रूट चक्रा का कलर रेड कलर होता है। तो आप प्राइवेट पार्ट्स पर जब आपका ध्यान गया है तो वहां पर रेड कलर के कमल के पुष्प को महसूस करें। अगर आपको वहां का कलर किसी कारण से नजर नहीं आता, नहीं महसूस होता, कोई बात नहीं, नॉट ए बिग इश्यू। लेकिन जैसे ही आपको ये कहा गया कि आपका ध्यान अपना रूट चक्रा पर ले जाएं, प्राइवेट पार्ट्स के पास में ले जाएं, तो आपको फीलिंग्स कैसी आ रही हैं वो मायने रखती है। वहां पर फोकस करने के समय पर यदि आपको हैवीनेस महसूस हो रही है तो इसका अर्थ है कि वो चक्रा आपका वर्किंग नहीं है। यदि हैवीनेस है तो इसका मतलब है कि चक्रा वर्किंग नहीं है। दूसरा, यदि आपको लगता है कि वहां पर जाते ही आपको कुछ बेचैनी या इरिटेशन है आपके मन में वहां पर कनेक्ट होते ही, तो इसका मतलब वो चक्रा इम्बेलेंस है। और यदि वहां जाकर के आपको खुशी महसूस हो रही है, अच्छा लग रहा है और आप उस कमल के पुष्प को खिलता हुआ महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो चक्रा अच्छे से कार्य कर रहा है। तो हैवीनेस अगर है तो वो चक्रा ब्लॉक है।
अगर वहां पर हलचल है, आप नहीं ठीक से फोकस कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब वो चक्र इम्बेलेंस है। दोनों ही स्थिति में, चाहे वो हैवीनेस हो, चाहे वहां पर बेचैनी हो, इरिटेशन हो, तो ऐसी स्थिति में मान लेना चाहिए कि वो चक्रा पर हमें काम करने की आवश्यकता है। तो ये एनालिसिस का पार्ट है। मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं, आप ये एनालिसिस करने की कोशिश करें कि आपका रूट चक्रा इस वक्त कैसी स्थिति में है। अगर कमल का पुष्प आपको खिला हुआ महसूस हो रहा है, तो चक्रा बिल्कुल ओके है। और इसके अलावा यदि वहां पर कुछ और दिखाई दे रहा है, तो इसका चक्रा अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। वो कमल का पुष्प भी आपको बंद मिलेगा अगर वो ठीक से वर्किंग नहीं कर रहा होगा। तो ये 2 मिनट का समय आपका अपना है, आप इसको एनालिसिस कीजिए कि आपका रूट चक्र इस वक्त कैसा है। अब आप अपना ध्यान नाभि से ठीक 1 इंच नीचे लेकर के जाएं, वो आपका सैक्रल चक्र है, उसका कलर ऑरेंज है। ऑरेंज कलर के कमल के पुष्प को ध्यान करने की कोशिश करें। अगर वो कमल का पुष्प दिखाई दे जाता है, तो ये ध्यान से देखें कि वो बंद है या खिला हुआ है। अगर वो खिला हुआ है, तो खिलते हुए महसूस करें, आनंद लें। और यदि वो बंद है, तो फिर ये फोकस करें कि आपको उस चक्रा के ऊपर हैवीनेस महसूस हो रही है, या इरिटेशन, या कुछ और।
बेचैनी, आप वहां पर फोकस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे आपको पता चलेगा कि यदि हैवीनेस है, बेचैनी है, तो इसका मतलब वो चक्रा काम नहीं कर रहा है, और यदि कर रहा है तो बहुत स्लो मोशन में कर रहा है, क्योंकि हैवीनेस का पूरा मतलब है बहुत हैवी फील कर रहे हैं आप वहां पर पहुंचते ही, तो इसका मतलब वो चक्रा ब्लॉक है, काम नहीं कर रहा है, और आपको वो कमल का पुष्प भी नहीं दिखाई दे रहा है। और यदि कमल का पुष्प दिखाई दे रहा है लेकिन आपको बेचैनी है, वहां पर हलचल है, आपके विचारों में उथल पुथल है, और आपको वहां सेंसेशन बहुत ही अजीब सी आ रही है, तो इसका मतलब वो चक्रा इम्बेलेंस है। और अगर कमल का पुष्प दिखाई दे रहा है, वो प्रॉपर ओपन है, कलर भी अच्छे से आपको ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स कि वो चक्रा अच्छे से काम कर रहा है, अब आप उसको महसूस करें, एनालिसिस करें। ये आपका टाइम है, 2 मिनट का समय है, आप इसको अच्छे से एनालिसिस करें।
आपको सैकल चक्रा की पोजीशन पता लग गई होगी। अब आप अपना ध्यान नाभि से ठीक 1 इंच ऊपर सोलर प्लेक्सिस चक्रा पर ले जाएं। रूट चक्रा को बेस चक्रा भी कहते हैं, मूलाधार चक्रा भी कहते हैं, सैक्रल को स्वाधिष्ठान चक्रा भी कहते हैं और सोलर प्लेक्सिस को मणिपुर चक्रा भी कहते हैं। पूरा ध्यान मणिपुर चक्रा पर, और इसका कलर येलो कलर होता है। तो जिस प्रकार आपने पहले दो चक्रा को एनालिसिस किया है, इसी प्रकार इस चक्रा को भी आप एनालिसिस करें। पूरा ध्यान येलो कलर के चक्रा पर, येलो कलर का कमल का पुष्प, और क्या फीलिंग्स आ रही हैं, क्या देख पा रहे हैं, पूरा फोकस बनाए रखें। इसी प्रकार अब आप अपना ध्यान थर्ड चक्रा पर ले आए।
और ग्रीन कलर के कमल के पुष्प को महसूस करें, उसकी क्या पोजीशन है, आपको क्या फील होता है?
इसी तरह से आप अपना ध्यान अपने थॉट चक्रा पर ले जाएं, लाइट ब्लू कलर कमल का पोस्टर। थ्रोट चक्रा गले के ठीक बीचों बीच फोकस करें और उसको एनालिसिस करें, उसकी क्या पोजीशन है। अब आप अपना ध्यान थर्ड आई चक्रा यानी आईब्रोज के ठीक बीचों बीच ले जाएं और डार्क ब्लू कलर को फोकस करें, डार्क ब्लू कलर के कमल के पुष्प को फोकस करें। क्या स्थिति है उसको एनालाइज करें।
अब अपना ध्यान अपने क्राउन चक्र यानी सहस्रार चक्र को ले जाएं और उसको भी एनालिसिस करें कि उसकी क्या पोजीशन है। वायलेट कलर का कमल का पुष्प आप फोकस कर सकते हैं। अब आप एनालिसिस के बाद अपना ध्यान अपनी सांसों पर वापस ले आए। और दोनों हाथों को आपस में रगड़कर अपनी आंखों पर रखें और धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। मैं सभी से एक एक लाइन में, जब क्योंकि समय ऑलरेडी हो चुका है, 6:10 हैं, मैं सभी से एक एक मिनट में ये जानना चाहूंगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, कि आपको जब आप चक्राज को एनालिसिस कर रहे थे तो आपके कौन से चक्र आपको वीक महसूस हुए और कौन से स्ट्रांग महसूस हुए। आगे की प्रोसेस हम कल फिर से करेंगे, कल थोड़ा सा और क्लियर होगा, आज पहला दिन था। तो सबसे पहले मैं तिवारी जी से जानना चाहूंगा, तिवारी जी कैसा रहा आपका ये सफर 7 चक्र को एनालिसिस करने का। आपकी आवाज नहीं आ रही है तिवारी जी, आवाज नहीं आ रही। कम आ रही है, बहुत कम आ रही है, जो सुनाई नहीं दे रहा। हाँ जी तिवारी जी, हाँ थोड़ी सी आप उसके पास में सिस्टम के तो समझ में आ रहा है थोड़ा सा। हाँ जी बताइए।
स्वादिष्ठान चक्र जो है वो थोड़ा वीक महसूस हुआ, वहां पर हम ठीक से उस रंग को महसूस नहीं कर पाए। और जो सबसे स्ट्रांग हमको महसूस हुआ वो हमको आगरा चक्र, मणिपुर चक्र, ये दो ज्यादा स्ट्रांग महसूस हुए। ठीक है। इनमें हमको बहुत अच्छी वाइब्रेशन भी मिली। कोई बात नहीं, अभी तो सिर्फ हम एनालिसिस करना सीख रहे हैं, इसके बाद हम जो है इसको फिर कैसे ठीक करना है चक्राज को, इस पे काम करेंगे। तो आज का जो आपका एनालिसिस है इसको कहीं नोट करके रखना। तो हम 3 दिन का एनालिसिस नोट करेंगे और फिर हम फाइनल नतीजे पे पहुंचेंगे कि कौन सा चक्र स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, किस पे काम करने की आवश्यकता है। सिंह साहब आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। वो मैंने पिछली बार भी काफी समय आपके आशीर्वाद से आपके आनंद रहते हुए किया था, जी। और आज जैसा आपने नाम रखा डिवाइन मेडिटेशन, इन 7 चक्रों में आज पहली बार ऐसा हुआ है कि परमपिता परमात्मा की परम कृपा से मेरा एक चक्र, जब आप कहते हैं कि किस रंग के कमल को देख के उस रंग में खिला, और उस रंग के कमल के खिलते ही उसमें से उसी रंग की रोशनी से मेरा पूरा शरीर और पूरा कमरा भरता चला गया। आज पहली बार मैंने इस बात का इतना विशेष अनुभव किया है। विश्वास जी। नहीं हो रहा था कि ऐसा हो रहा है कि उसी रंग के बादल उसी कमल से निकल कर और मेरे शरीर में भी, मेरे चक्र में भी, और उसके तो मेरे पूरे औरा को उसी में बदलते जा रहे थे एक साथ। जी। आपको कोई ऐसा चक्र लगा जो आपको वीक महसूस हुआ हो, हैवी महसूस हुआ हो? हैवीनेस तो नहीं, पर हार्ड चक्र में जो कलर थे वो बहुत साथ में लाइट और डार्क होते जा रहे थे। ठीक है, मैं सारा क्लियर करूंगा इन सब चीजों के बारे में। श्रिया आपको कैसा लगा? गुरुजी, सोलर प्लेक्स हार्ट और थर्ड आई में एटलीस्ट पॉजिटिव वाइब्स आ रही आई थी। रूट चक्र में बहुत हेवीनेस था, और ये क्राउन क्राउन चक्र, चक्र क्राउन चक्र। हाँ। और रूट चक्र के ऊपर वाला वन से, वो तो रूट चक्र उसके ऊपर वाला और क्राउन चक्र तो एंड थ्रोट चक्र, तीनों में अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत गंदी सी फील आ रही थी, बट थर्ड आई, सोलर प्लेक्स और हार्ट में अच्छा लग रहा। ठीक है, आप इसको नोट करके रखना कहीं पर, ठीक है, क्योंकि कल भी हम काम करने वाले हैं कि रीडिंग कैसी डिफरेंट होती है वो देख लेंगे हम एक बार। प्रियर्चना जी आप बताइए। जी प्रणाम। चित्र पे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे सारे जगह में कलर पूरी तरह महसूस हुआ, सारे जगह कोमल अच्छे से खिल रहे थे, जैसे जैसे आप बोल रहे थे मुझे अच्छा लग रहा था। ओनली ओके, क्या है, सोलर प्लेक्सिस में मुझे थोड़ा सा भारीपन महसूस हुआ थोड़ी देर के लिए, सोलर उसके बाद प्लेक्सिस। से ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ेंगे, कल फिर से रीडिंग लेने वाले हैं, आज की रीडिंग को नोट करके रखिए। पद्मिनी माता जी आप बताइए, आपको कैसा रहा, कौन सा चक्र आपका ठीक था, कौन सा चक्र आपका वीक था? नमस्कार। नमस्कार। मुझे तो बहुत काम फील हुआ, ज्यादा एक एक चक्रा दूसरे चक्रा का इतना फर्क नहीं है, कलर्स भी महसूस हुआ एंड जनरली बहुत शांत था। ठीक है, बहुत अच्छा। कल्पना जी आप बताइए। जी हरे कृष्ण। मुझे मेरे एक तो आई वो थर्ड आई चक्रा पे कंसंट्रेशन था, और उसमें मुझे मतलब खिला हुआ दिखा था वो ब्लू कलर का कमल का फूल, और उसमें मुझे एक पर्सन भी दिख रहा था व्हाइट कलर के मतलब क्लॉथ पहन के, और मुझे उसकी पता नहीं चल रही। और एक तो मेरा क्राउन चक्रा पे फोकस नहीं हो रहा था, थर्ड चक्रा पे मेरा फोकस हो रहा था, और एकदम देखो सारे ओका चक्रा से हो, लेकिन अचानक से ऐसे पैरों में इतना दर्द, फिर ध्यान इधर उधर भटकना, बस थर्ड आई में मेरे को ऐसा लगा कि जैसे कि एक पर्सन दिख रहा था मुझे व्हाइट कपड़ों में, मतलब गुरु टाइप का। ठीक है, नोट करके रखिए इसको, कल की रीडिंग फिर देखते हैं, मैच करके देखेंगे।
है। शर्मा जी आप बताइए आपको कैसा रहा? हरे हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु कृष्ण। जी पहले जैसे मैं एक चीज एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ कि जैसे आज से 2 महीना 3 महीना पहले जब इस रूट चक्रा पे ध्यान करते थे तो सब चीज प्रॉपर दिखता था, मतलब हर कमल का पुष्प खिलना। अभी 2 3 महीने बाद जैसे कर रहा हूँ तो मुझे महसूस हुआ एक रूट चक्रा, उस पर थोड़ा भारीपन महसूस हुआ। उसमें तो मुझे लाल कलर दिख ही नहीं रहा था, काफी समय बाद दिखा। एक रूट चक्रा पे हैवी फील हुआ, और जब अपने हार्ट चक्रा पे फोकस किए तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी बीवी आवाज दे रही है, कहाँ पे हो। तो एक ऐसा महसूस हुआ, और बाकी सब चक्रा ठीक हुए। थर्ड क्राउन चक्रा पे जब मैं ध्यान दे रहा था तो मैंने अपने पिताजी को देख रहा था, पिताजी बुला रहे हैं या पिताजी की आवाज आ रही है, और एक लाइट व्हाइट कलर की रेज है जो लग रहा है ऊपर से अपनी बॉडी की तरफ, अपने माथे पे सर पे वो व्हाइट रेज दिख रहा था। बस ये यही एक्सपीरियंस हुआ गुरु जी। ठीक है। इन सब चीजों का कुछ ना कुछ मतलब है, सब बताऊंगा मैं आपको। सुनील कुमार जी आप मुझे बताएं। सुनील कुमार जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर मुझे केवल मूलाधार पे कमल नजर आया, बाकी सभी चक्रों पे बहुत तेज लाइट प्रकाश पुंज नजर आए सारे चक्रों पे। कोई बात नहीं। आपको हैवीनेस कहीं नजर आया? नहीं सर, हैवीनेस नहीं, क्योंकि कंसंट्रेट ऐसा लगा कंसंट्रेट नहीं कर पाया मैं, क्योंकि बहुत तेज प्रकाश पुंजता है सभी चक्रों पे। ठीक है। इसका मैं बताऊंगा अभी आपको। ये हमारे साथ आज नए मेहमान हैं, क्या हैं, हो सकता है कि वो अपने नाम को रिनेम ना कर पाए हों। ओप्पो के नाम से हैं, आप मुझे बताएंगे आपका नाम क्या है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओप्पो के नाम से आपने ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं आप सबकी बातें सुनने के बाद कि यदि आपको कोई कलर नजर नहीं आ रहा है तो इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आपका वो चक्रा वीक है, और ये भी कोई मतलब नहीं है कि वो चक्रा आपका स्ट्रांग है। कलर नजर ना आने के बहुत से कारण हो सकते हैं, आपका मेडिटेशन के अंदर कंसंट्रेशन या आपका मेडिटेशन का जो लेवल है वो वीक हो सकता है, या हो सकता है कि आपका ध्यान कहीं भटक रहा है, इस वजह से भी हो सकता है। तो इसका अर्थ नहीं है कि अगर आपको कलर नहीं नजर आ रहा, आपको कमल का पुष्प नजर नहीं आ रहा, तो इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं जाता कि आप वहां पर आपका चक्रा वीक या स्ट्रांग है। पहली बात, आपका चक्रा वीक और स्ट्रांग इस बात से महसूस होगा कि आप उसको, अगर हैवीनेस है, क्राइटेरिया क्या है, एनालिसिस का क्राइटेरिया क्या है कि कैसे हम एनालिसिस करें, तो यदि वो चक्रा हैवीनेस हैवी महसूस हो रहा है, वहां जैसे ही आपका फोकस शुरू हुआ आपका वो हैवीनेस नजर आने लगा, हैवीनेस का मतलब है वो चक्रा ब्लॉक है। पहली बात, यदि वहां पर अच्छा फील नहीं हो रहा लेकिन हैवीनेस नहीं है, अच्छा फील नहीं हो रहा, वहां पर कुछ इरिटेशन है, वहां से मन हटाने को मन कर रहा है, इसका मतलब वो इम्बेलेंस है, वीक है वो चक्रा, उसको एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो ये दो दो तीन क्राइटेरिया हैं जिसमें आपको एनालिसिस करना है। कलर नजर नहीं आता, ये जो है आपका एक मेंटल स्टेट हो सकता है, उसको धीरे धीरे जब आप एक्सपेंड करेंगे अपने मेंटल स्टेट को, जैसे जैसे आप मेडिटेशन करेंगे आपको कलर भी नजर आएंगे, आपको कमल का पुष्प भी नजर आएगा, सब कुछ होगा। लेकिन इनिशियल स्टेज पे आपको ये समझना है कि उस चक्रा पर ध्यान करते ही हैवीनेस हुआ, लगातार जब आप उस पर ध्यान कर रहे हैं तब हैवीनेस महसूस हुआ, दैट मीन्स कि वो चक्रा वर्क नहीं कर रहा है। और यदि उस चक्रा में इरिटेशन है, कुछ फ्रस्ट्रेशन है, अगर आपको वहां से ध्यान को हटाने का मन कर रहा है, आपका मन वहां नहीं लग रहा है, आपको वहां पर घबराहट हो रही है, दैट मीन्स कि वो इम्बेलेंस है, उसको एनर्जी की जरूरत है। तो ये दो तीन क्राइटेरिया आपको ध्यान रखने हैं। और जहां तक कलर की बात है, वो धीरे धीरे कलर नजर आने लगेंगे। अब एक मेरे को यहाँ पर फीडबैक मिला कि हमें कोई दिखाई दिया, सफेद कपड़ों में दिखाई दिया, किसी ने मुझे आवाज दी, दैट मीन्स कि हम बिल्कुल राइट डायरेक्शन में हैं।
हमारे आसपास कुछ एंजल्स हो सकते हैं जो हमें हमारे सपोर्ट के लिए हमारे पास अवेलेबल हैं। तो उन एंजल्स को आप थैंक यू बोलो, उनको थैंक यू बोलो। आवाजें आ रही हैं, कोई बात नहीं, वो हो सकता है कि रियल आवाज भी हो। और अगर उनसे बाद में आपने कंफर्म किया कि आपने मुझे आवाज दी थी क्या और उन्होंने मना कर दिया, दैट मीन्स कि कोई एंजल आपके आसपास है, तो उनको थैंक यू बोलो, वो आपके सपोर्ट के लिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मान लीजिए आपको कलर नहीं दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स कि आपका कंसंट्रेशन लेवल अभी मेडिटेशन लेवल का नहीं है, कोई बात नहीं, उसमें कहीं पे कोई माइनस पॉइंट नहीं है, आज नहीं तो कल आपका कंसंट्रेशन लेवल हो जाएगा। कमल का पुष्प कम खिला हुआ ज्यादा खिला हुआ, इसका मतलब है उस अगर कम खिल रहा है कमल का पुष्प, इसका मतलब है वो चक्रा वीक है, और अगर ज्यादा खिल रहा है तो वो ओवर एक्टिव है। और अगर बैलेंस है, ये ज्यादा खिलना और बैलेंस खिलना, ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से महसूस होगा कि ज्यादा खिलने का कैसा दिखाई दे रहा है और कम खिलने का कैसा दिखाई। तो इसको हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, इन 3 दिन की मेडिटेशन में हमें पता चल जाएगा कि पुष्प कम खिलना कैसा दिखता है, पुष्प बहुत ज्यादा खिलना कैसा दिखता है, और पुष्प कम खिलना मतलब बैलेंस खिलना कैसा दिखता है, वो आपकी प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा। तो वो भी एक क्राइटेरिया है कि अगर कम खिल रहा है तो दैट मीन्स कि वो इम्बेलेंस है, अगर वो ज्यादा खिल रहा है दैट मीन्स कि ओवर एक्टिव है। तो ये धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस से आएगा। तो मुझे लगता है कि मैंने आपके सारे फीडबैक कवर कर लिए हैं, समय काफी हो चुका है, अभी हम लोग विराम करेंगे इस प्रोसेस को। कल से लर्निंग प्रोसेस इतना नहीं है, कल से सिर्फ प्रैक्टिकल प्रोसेस है, तो हमें ज्यादा समय मिलेगा। आज हमें कम समय मिला फोकस करने का, कल हमें ज्यादा समय मिलेगा। तो कल मिलते हैं, और अभी गुरुवर आचार्यों को सभी को धन्यवाद करते हैं, आंखें बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियायै केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवृत्ते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सभी का मंगल हो, हम सभी स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। आप सबके लिए मेरी पास एक सूचना है, ठीक है जी? तो चलते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण।